नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले को लेकर विवादों में आने के बाद जहां एक तरफ एसटीएफ एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है, तो दूसरी तरफ अब सरकार ने भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी पर आखिरकार शासन ने बड़ा निर्णय ले लिया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी को उनके पद से अवमुक्त कर दिया गया है। साथ ही संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव का प्रभार दिया गया है। उत्तराखंड शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव पद से संतोष बडोनी को हटा दिया है। वहीं संयुक्त सचिव सुरेंद्र रावत को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव का प्रभार दिया है। इसके अलावा शासन ने एक बार फिर अधिकारियों के तबादले किए हैं। शासन द्वारा 3 PCS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि आदेश के अनुसार PCS अधिकारी देवानंद को उत्तरकाशी का नया डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया है। आपको बता दें कि आयोग के चेयरमैन एस राजू पहले ही अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा सौंप दिया था।